व्हाट्स अप गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। सो आप लोग देख सकते हो मेरा कैसल काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। सो मैंने लास्ट टाइम में से स्टोन ब्रेकर कर दिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लेना जा कर के, प्लेलिस्ट में आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो सीरीज़ पूरी की पूरी। सारी वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और ये देखो मैंने ये कैसल की तरह ये स्टोन ब्रिक लगा दिए ऊपर में। और आप लोग देख के बोलते होगे कि ये क्या है, नहीं ये क्या है, ऐसे करके तोड़ के रखा है मैंने। तो मैं इसे थोड़ा इससे रिप्लेस करने वाला हूँ। ओ इसमें नहीं है, इससे क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स। सो इसका नाम क्रैक्ड है। सो सॉरी साउंड कम होने के कारण, बढ़ नहीं रहा साउंड, शायद से फुल हो गया होगा। ओ अब फुल हुआ। सो मुझे क्या करना था, हाँ मुझे कोल डालना था उसमें। सो आगे हम लोग कोल डाल लेते हैं। कोल हमारे पास ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और मैं थोड़ी बहुत माइनिंग करूँगा अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में मेरा थोड़ा बहुत काम है कि मैं एक स्मेल्टिंग फैक्ट्री बनाऊं, क्योंकि मुझे स्मेल्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए ढेर सारा आयरन इनगेट्स लगेंगे और कुछ और है मेरे पास जो मैं पका लूँगा। और मुझे चाहिए यहाँ से, ओ कितना कूल लगता है, अगर आप लोग सुन रहे हो तो अच्छा लग रहा होगा, माइनक्राफ्ट का नेचुरल साउंड जो कि सबको काफ़ी अच्छा लगता है। सो मुझे आज बनाना था, रुको रुको रुको, मुझे उससे पहले थोड़े बहुत कॉबल स्टोन्स लगेंगे जो कि इस चेस्ट में मेरे पास भरा पड़ा है। सो एक स्टैक ले लेते कॉबल, और थोड़ी बहुत वुड लगेंगी। सो वुड भी ले लिया। और अब अपने को बनाना है स्मोकर और ब्लास्ट फर्नेस। उनके लिए मुझे फर्नेस बनाना पड़ेगा तीन। जैसे तीन बना लिया तो मुझे एक दो तीन, और मुझे एक और फर्नेस बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक और ब्लास्ट फर्नेस चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस का फ़ायदा ये होता है कि वो काफ़ी जल्दी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ओर्स को स्मेल्ट कर देता है, क्योंकि वो फूड और काफ़ी ज़्यादा बनाना है, क्योंकि मुझे स्मोकर भी काफ़ी ज़्यादा काम का है। तो अब ऐसे करके मुझे सारे फर्नेस बना लेने और मुझे अब स्मोकर बनाना पड़ेगा। तीन स्मोकर काफ़ी रहेगा और मुझे बाकी सारे फर्नेस लगेंगे। सो मैंने आगे से यहाँ पे काम कर रखा है, और उससे पहले मैं थोड़े बहुत क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स लगा दूँ ताकि अपने कैसल का लुक आ जाए। ये देख सकते हो ये क्रैक्ड वाला असली कैसल वाला फीलिंग देता है, जिसके कारण मैं इसे बना रहा था। सो ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना कैसल है। और अपना बन रहा है बाकी सारा, मैंने थोड़ा बहुत ही तोड़ा है, बाकी मैं और करूँगा नेक्स्ट टाइम अगर मेरा मन करेगा तो। ऐसे ब्लास्ट फर्नेस मुझे रखना था, और यहाँ पर फर्नेस, यहाँ पर स्मोकर रख देते हैं, यहाँ पर ऐसे करके स्मोकर्स, नहीं स्मोकर्स भी मुझे लगता है चार लगी हैं, स्टिक से क्यों तोड़ रहा हूँ मैं। क्या करना चाहिए मुझे, चार बना लेते हैं स्मोकर्स। सो हम थोड़े बहुत और स्मोकर्स बनाने के लिए, मुझे मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल सामने है, स्मोकर्स बनाने के लिए मुझे कॉबल स्टोन भी लगेंगे जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं ऊपर से ही लेके आ जाता हूँ। नीचे की चेस्ट का मैं पता नहीं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक स्टैक लग जा रहा है अपने को, और यहाँ पर लगा देते हैं हम आयरन को स्मेल्ट होने के लिए। अपने पास कोल नहीं है तो कोल हम लोग यहाँ से ले लेते, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्रैक्ड स्टोन ब्रिक्स भी बन चुके हैं, गलत जगह क्लिक कर दिया। 11 यहाँ पे रख देते हैं,
और अब हमें सोने जाना पड़ेगा ऊपर। तो हम लोग सो करके पहले नाइट स्किप करेंगे, उसके बाद थोड़ी मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसा बनाऊँगा वो स्मेल्टिंग का सब कुछ। उसे मैं ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे कई सारे हॉपर्स और काफ़ी कुछ, जिसके लिए मैं अभी करने वाला नहीं हूँ। इन फ्यूचर मैं करूँगा कभी, अगर मेरा मन करेगा तो, एज आई ऑलवेज से, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है, अभी यही मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, काफ़ी कुछ करना। अपने को डायमंड्स अब तक नहीं मिले, जो कि काफ़ी गलत बात है। मैंने कई बार खेला, मुझे कितनी बार कितना जल्दी जल्दी डायमंड्स मिल जाता है ये तो मैं ही जानता हूँ। और यहाँ पर हो गया, अब हम इसे इस क्रैक्ड स्टोन ब्रिक, ये काफ़ी सही लुक दे रहा है, लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना किला है, काफ़ी ज़्यादा सदियों से पड़ा हुआ है, वो काफ़ी सही लुक आ रहा है। बाहर से हम लोग देखते हैं वो काफ़ी अच्छा लुक है। अब इसे थोड़ा बहुत साइड से, मैंने ज़्यादा नहीं किया है, साइड से मैं ज़्यादा करूँगा भी नहीं, सो इसे अब यहाँ पे लगा देते हैं। पीछे से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा छेद कर दिए थे, तो इन छेदों को भी भरना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना सिग्निफिकेंट एनिमल शीप है, जो कि उसका काफ़ी सही लगता है, क्योंकि उसका ब्लैक लुक, और बीबीएस का चेपूस चिकन, जो कि वो भी अच्छा लगता है, क्यूट। और मुझे आयरन मैन पसंद है, टोनी स्टार्क, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है मेरा आर्मर, सॉरी मेरा स्किन, यार क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे वुल्फ ही ज़्यादा सही लगता है अपना सिग्निफिकेंस के लिए। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता था कि मेरे एग्ज़ाम्स के कारण मैं 5 डेज तक वीडियोज़ नहीं डालूँगा, सैटरडे संडेज़ को ही वीडियो आएंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो आप लोग, हमारा कंप्लीट हो चुका है ये काम, और अब हम लोग बनाने वाले हैं नीचे जाकर के स्टोन का फैक्ट्री, स्टोन का फैक्ट्री नहीं, स्मेल्टिंग फैक्ट्री। एक और स्मोकर बना लेंगे, और हमें कुछ फर्नेसेस लगेंगे जो मैं नीचे ही बनाऊंगा, नीचे जगह देख करके। सो यहाँ पर मुझे लगाना है ऊपर में और चार फर्नेस के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स खर्च हो रहा है यार, इतना ज़्यादा रिसोर्स खर्चा है, बाप रे। वैसे ये अगर 3 ब्लॉक्स का होता तो ज़्यादा सही होता, रिसोर्सेज भी कम खर्चे होते। सो ऐसे करके फिर इससे डायोराइट्स को मैं नीचे से तोड़ करके हॉपर्स को लगा करके यहाँ से पूरा कनेक्ट करूँगा, फिर अपने माइन से रेल जाएगी और ये पूरे डाउन तक जा करके माइन कार्ट से सामान लाएगी, और फिर वो हॉपर से ट्रैवल करेगा सामान मेरा पूरा, वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आ करके इन सब में मैं कोल्स भर दूँगा ताकि ये स्मेल्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। सो ये बाद में इन फ्यूचर मैं कर दूँगा, जो कि मुझे अभी नहीं करना। सो यहाँ पे मैं पेंटिंग लगा करके एक सीक्रेट रूम भी बनाने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोग को आगे से हिंट्स दे दिया हूँ। आप लोग अगर प्रो प्लेयर्स हो तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और बाकी मुझे यहाँ से आप देख सकते हो, आप लोग एक स्टैक, 2 स्टैक और 3 स्टैक और 4 स्टैक, हाँ 4.5 स्टैक हमारे पास है सुगर केन, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इनमें से कुछ का मैं पेपर्स बनाऊंगा, और पेपर्स बना के आज हम लोग एक्सप्लोरेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग कार्टोग्राफी टेबल बनाने वाले हैं। और उस टेबल को बनाने के लिए काफ़ी कुछ नहीं लगता, बिल्कुल 2 पेपर्स और बस ख़त्म। वुड्स तो नॉर्मली क्राफ्टिंग टेबल की तरह ही ये बन जाता है। सो इसे हम लोग रखते हैं यहाँ पर, ये लग रहा मुझे उल्टा रखा है, अच्छा ठीक है छोड़ो। तो ये मैप बनाने के काम आता है, और ये एक जॉब ब्लॉक भी है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कौन सा ब्लॉक रखूँ, कोई ब्लॉक यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी, तो 2 ब्लॉक्स की जगह खाली है, तो मैं उसे बाद में रिप्लेस करूँगा। अभी बारिश क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, तो
खैर आज के लिए वीडियो, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बस अब मैप बनाऊंगा, देखो ऐसे करके ये बेसिक मैप, और मैं इंस्टा पर पेपर डाली। तो अगर आप लोग को मुझसे बात करनी है तो बात कर लेना फॉलो करके, मैं ज़्यादातर डिटेल्स आगे वहाँ पे डालता हूँ। तो मैंने अपना अकाउंट का लिंक या नंबर नीचे दिया हुआ, तो जाकर फॉलो ज़रूर करना। तो अब मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत और शुगरकेन, और उन्हें लेकर के मैं बनाऊँगा एक मैप। यहाँ पे मैप का रेसिपी तो देना चाहिए ना। ये बन गया अपना एम्प्टी मैप, दूसरा है ये। दूसरा मैंने इस क्यों बनाया, इसे चेक करने के लिए, क्योंकि अब देखो ये यहाँ पे एक और एक, वन प्लस वन टू होता है ना यार, क्यों नहीं हो रहा। लेवल टू का मैप कैसे बनेगा, और मुझे कंपास के साथ रेडस्टोन नहीं है मेरे पास। ओके, मैं नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोरेशन करूँगा, तो मैं काफ़ी कुछ करने वाला हूँ जो कि होगा रेडस्टोन का वर्किंग के साथ कंपास बनाऊँगा मैं। और मुझे हाँ लोडस्टोन भी बना ही लेना चाहिए, लोडस्टोन जो कि नया अपडेट में आया है। सो लोडस्टोन की रेसिपी क्या थी, सो मैं लोडस्टोन सर्च करने वाला हूँ। लोडस्टोन की रेसिपी मुझे नहीं पता। इससे ओ माय गॉड, एक नेदरराइट इंगट, व्हाट द हेल इज दिस मैन, इतना ज़्यादा हार्ड। ये चिसल स्टोन ब्रिक्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक मैंने नेदर पोर्टल नहीं बनाया। ठीक है, तब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों के लिए नई गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।